नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तुम्हारे दिलेरे की दाद देनी पड़ेगी काले सरकार। मेरे साथ तो मेरे 25 बॉडीगार्ड्स हैं और तुम अपने दुश्मन से सौदा करने आए हो, वो भी अकेले। या खुदा ही ताकत पर भरोसा है? अगर खुदा ही ताकत ऐसे मामलों में मदद करती है तो ठीक कह रहे हो तुम राजा ठाकुर। अगर खुदा ही ताकत इन मामलों में मदद ना करती होती तो हम और तुम लाखों रुपए का सौदा ना कर रहे होते। लो, खुदाई ताकत से मिल लो। इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर डिकोस्टा, घबराओ मत। हम काले सरकार और ये हमारी सरकार, इनकी छत्र छाया में किसी बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं पड़ती, ना तुम्हें ना हमें। वैसे इस सौदे पर मोहर इन्हीं की लगी है। डिकोस्टा को कॉस्ट देते रहो, सौदा करते रहो और मोहर लगाते रहो। बेशक बेशक। तो करे सौदा। अब 20 लाख। अटेंशन अटेंशन, पुलिस ने चारों तरफ से तुम्हें घेर रखा है, कोई भी अपनी जगह से ना हिले। आई रिपीट, पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, कोई भी भागने का रास्ता नहीं है। सुना नहीं? ये तुम कह रहे हो? तुम मेरे साथ गद्दारी करोगे? 8 साल से तुम्हारे पेट का दोजख भर रहा हूं मैं। पुलिस 17 साल से होल्ड योर फायर। डिकोस्टा, शेर के मुंह में हाथ डाला है तो दांत किल्ले कच्चा चबा जाऊंगा मैं। शेर जेल में बूढ़ा हो जाएगा और दांत भी वहीं गिर जाएंगे। 12 खून है तुम्हारे सर पे, जेल में सड़ा दूंगा। अरेस्ट दीज बास्ट। ये जंग तो फिर लड़ी जाएगी डिकोस्टा। काले सरकार, बड़ी अच्छी मोहर लगाई तूने इस कमीने से। तू जानता नहीं इंस्पेक्टर, तेरे जैसे कई इंस्पेक्टरों की लाशें राजा ठाकुर के पैरों तले दबी पड़ी है। याद रखना इंस्पेक्टर, मेरे हाथों से बचेगा नहीं तू। सबूत देख भी लो, चख भी लो, सारा मैदान साफ कर दिया सिकंदर बख्त। तमाशा खत्म, तमाम शुद्ध। यानी खेल खत्म। मां के दूध की तरह खालिश, अमृत की तरह जिंदगी बख्शने वाला, महबूबा की चुम्बन की तरह नर्म और गर्म, करारे नोट की तरह खुशबूदार। इसीलिए इसे खाने के बाद आदमी माँ का दूध और महबूबा की गोद दोनों को ही भूल जाता है। सेल्समैन अच्छे हो सकते हो। जहर बेचना इतना आसान नहीं। देखो सर, वो किसने कहा था कि मजदूर को उसकी मजदूरी पसीना सूखने से पहले ही मिल जानी चाहिए? लेनिन ने कहा। लेकिन हिस्से को मजदूरी समझने की गलती दोबारा मत करना। उन दोनों को सजा दिलाना इसलिए भी जरूरी था कि वो मेरे कंधों पर चढ़कर अपना कद ऊंचा करना चाहते। ये सरकार की अमानत। किस सरकार? हमारे सरकार की। डिकोस्टा तो हर तरफ से कॉस्ट वसूल करता है। सौदा कराया, हिस्सा लिया, छापा मारा, उसमें भी खा गया, हमसे भी वसूल किया और सरकार से इनाम अलग। इससे झगड़ा मोल लेना हमारे बस का नहीं। भगवान को खुद आना पड़ेगा इसे टक्कर लेने के लिए। साला सोला साला। Morning, darling. क्या गुड मॉर्निंग? दोपहर होने को आई है। बहुत औरतें देखी जिनके लिए जान दी जा सकती है। पहली बार एक ऐसी लड़की देखी जिसके लिए जान ली जा सकती है। क्या चाहिए तुम लोगों को? सब कुछ। पप्पी चाहिए, झप्पी चाहिए, मीठी मलाई चाहिए, ठंडी ठंडी आइसक्रीम चाहिए। कैसी रही मेरी जान? खीर, मलाई, पप्पी, झप्पी, क्या लोगे? सीधे घर जाओगे या अस्पतालों घर जाओगे? अच्छा, ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हारा ये रूप भी हो सकता है, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मेरा ये रूप हो सकता है, ये मैंने भी कभी नहीं सोचा था। तुम्हारे जैसा शांत आदमी, और आज तुम इतने गुस्से में आ गए थे जैसे उनका खून ही कर दोगे। खून ही कर दूंगा अगर किसी ने तुम्हारी तरफ बुरी नजर डाली तो। तुम मेरी मोहब्बत ही नहीं, मेरा जुनून हो। यहाँ मैं कुछ बात करने आई। चाय पियोगी माँ? मैं यहाँ चाय पीने के लिए नहीं आई हूँ। आओ रवि, नाश्ता कर लो। माँ, इन्हें जल्दी जाना है, शीना जी इंतजार कर रही होंगी। रवि कहीं नहीं जाएगा, मुझे तुम दोनों से बातें करनी है। मैं पूछती हूँ, ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है माँ? ये घर घर का खेल कब तक खेलते रहोगे तुम दोनों? रोज सुबह सवेरे यहाँ आती, तुम्हारे लिए चाय नाश्ता बनाती है, चूल्हा चौका देखती है, झाड़ू बर्तन में काली पीली होती है, और रात को तुम्हें खाना खिलाकर सुलाकर आधी रात के बाद घर लौटती है। क्यों? शादी के बाद भी तो ये सब होता है, तो तुम दोनों शादी कर क्यों नहीं लेते? शादी तो करेंगे माँ जी, मगर मैं चाहता हूँ थोड़े पैसे कमा लूं और अपने पैरों पे खड़े होने के काबिल हो जाऊँ। आज से ठीक 7 दिन के बाद तुम दोनों की शादी है। पंडित से मुहूर्त निकलवा कर तुम्हें बताने आई, पूछने नहीं। 3 दिन के बाद मामा आ रहे पूना से, उस दिन सगाई है, उसके 4 दिन के बाद तुम दोनों की शादी है। शादी कर लो, फिर सोचते रहना। समाज में रहना है, तो समाज का कानून मानना ही पड़ेगा। कानून महाभारत के धृतराष्ट्र की तरह अंधा बनकर कब तक ये सब कुछ देखता रहेगा? सुबह का अखबार पढ़ता हूँ तो चोरी, खून, ड्रग, स्मगलिंग, रेप, बलवे और अब ये बम ब्लास्ट। किस चीज की कमी है इस शहर में? सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तान हमारा। आपसे कहा गया है कि 10 मुजरिम चाहे छूट जाए मगर एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। मैं जरा अलग कहता हूं कि एक भी मुजरिम बच के न जाने पाए, चाहे उसके साथ 10 बेगुनाह पकड़े जाए, इसलिए कि गुनाह का फैसला अदालत करती है। पुलिस का काम सिर्फ मुजरिमों को पकड़ना है और सही तहकीकात करना है। इन शॉर्ट, मुजरिमों पर रहम, बेगुनाहों पर जुल्म है और ये सीखना चाहिए इंस्पेक्टर डिकोस्टा से। हाल ही में इंस्पेक्टर डिकोस्टा ने राजा ठाकुर और काले सरकार जैसे खतरनाक मुजरिमों को जिस तरह जाल में फंसा है वो अपने आप में एक मिसाल है। And I am proud of Inspector D'Costa. Sir, Emerson ने कहा था कि अगर एक स्कूल खुल जाए तो 3 जेलें बंद हो जाए। मुजरिमों को पकड़ने के साथ साथ हमें बेगुनाहों को बचाना भी है ताकि समाज के लोग हमारी वजह से बेखौफ जिंदगी जी सके। थामा हमारे बाड़ानो, थामा राहु कालम। राहु कालम समाप्त होने में 1 या 2 पल बाकी है। अब मन में दोनों धारिये आशा और विश्वास, राहु केतु दूर भये तो 2 दिल आए पास। अब पहनाओ। अब राहु महाराज तुम्हारी जिंदगी से दूर निकल गए हैं। मुबारक हो। कांग्रेचुलेशंस। लाओ भाई लाओ, मुझे भी फूल दो। फूल। कंग्रेचुलेशंस। मिठाई लाओ। अजीब लग रहा है ना? अजीब ऐसे लग रहा है जैसे कोई सर्कस में आया हूँ। रिंग लीडर के भी पाँव छूने अभी। चलो। मुझे तो अपने दिन याद आ गए। जीते रहो। मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी रवि। तुमने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। जी, मैं कुछ समझा नहीं। रवि, मैं भी तो उम्मीद लगाए बैठी थी। अब तो मैं बिल्कुल अकेली हो गई। तो फिर पहले बताना चाहिए था ना। अब तो मैंने अंगूठी पहन दी ली। ओहो। और यूं भी इन्हें तो जरा मैच्योर औरतें ही पसंद है। क्यों? आई डिडंट नो दैट। तब तो मैं इसे अडॉप्ट कर लेती हूँ। अरे भैया, हमारा तो एक ही आशीर्वाद है, राहु से दूर रहो, दूर रहो। ये लो। ये क्या? प्रेजेंट है, प्रेजेंट। अरे इन पैसों से अपनी मर्जी का शादी का जोड़ा खरीदो, हाथ के कंगन खरीदो, पैर के पायल खरीदो। ये सारे गहने जो है ना, ये गहने नहीं है, जंजीरें हैं, जंजीरें। क्योंकि पहनोगी तुम और बंधा रहेगा ये। वो कैसे? वो ऐसे कि सिपाही जब कैदी को हथकड़ी पहनाता है तो वो भी तो साथ बंधा बंधा घूमता है। दोनों की उम्र कैद कब हो रही है? 14 नवंबर का मुहूर्त निकला है, यानी कि 4 दिन के बाद। हाँ, और शादी मेरे यहाँ होगी, पूना में। और शीना, तुम्हारी जिम्मेदारी है, रवि की बारात को 14 नवंबर की सुबह तुम लेकर मेरे यहाँ पहुँच जाओगी। देखना ये कहीं भाग न जाए। और अगर मैं इसे भगा कर ले गई तो? अरे अरे, कहाँ जा रहे हो? मंगलसूत्र लाने। हाँ, जाओ जाओ। झुके लर्जे, मेरे दिल में हुई हलचल, मेरा चैन चुराता है तेरी आँख का काजल। अभी चैन चुराया है, अभी चैन चुराया है, कल तुम्हें चुरा लूंगी। अभी चैन चुराया है, कल तुम्हें चुरा लूंगी। जब चाहो तुम्हें देखो, आईना बना लूंगी। निकले ना तो फिर आज नहीं निकल सकते, फिर कल निकलना पड़ेगा क्योंकि राहु काल शुरू हो जाता है। मामा जी, मामा जी एक बात बताइए, कल अगर मुझे आने में देर हुई, मेरा मतलब है किसी वजह से, तो क्या आप शादी पोस्टपोन कर दोगे? कैंसिल कर दूंगा शादी, मैं कैंसिल कर दूंगा, लेकिन जानता हूँ कि ऐसा नहीं होगा। शीना, शीना, ये आदमी वक्त पर पहुंच जाएगा ना? वक्त से पहले पहुंच जाएगा मामा जी, मुझ पर तो भरोसा है ना। चलिए, 7 में से 5 मिनट रह गए। रवि, सब सामान ले लिया ना? अरे मंगलसूत्र भी दे दो, कहीं तुम भूल गए तो। माँ जी, सब कुछ तो ले जा रहे हैं हम, मोहिनी को भी ले जा रहे हैं, कुछ तो रखिए मेरे लिए। 2 दिन की तो बात है। अच्छा बेटा, संभल के आना। हाँ रवि, तुम्हें शादी से डर तो नहीं लगता? तुम अगर साथ हो तो किसी चीज से डर नहीं लगता। डरता हूं तो सिर्फ तुम्हें खोने से। ये तो कभी हो ही नहीं सकता। तुमने आज तक मुझसे वो सवाल नहीं पूछा जो हर औरत कभी ना कभी अपने मर्द से पूछती जरूर है। क्योंकि मैं आम औरत नहीं हूं इसलिए, और तुम, मैं तुम्हें अपने आप से ज्यादा पहचानती हूं। मैं तुमसे कभी सवाल नहीं करूंगी, लेकिन ऐसा ना हो कि कभी मुझे जवाब देना पड़े। ओ माया, जब तुम सवाल नहीं करती तो तुमसे जवाब मांगने की बदतमीजी कौन कर सकता है? हेलो, मैं सिकंदर बख्त बोल रहा हूँ। डिकोस्टा है? देखती हूँ, सिकंदर भक्त। हाँ कोसा, सुना है कुछ नौसिखी आए हैं बनारस से, ड्रग्स की छोटी सी कंसाइनमेंट बेचना चाहते हैं। आज रात को उनका सौदा होने वाला है मड आइलैंड पर। मैं चाहता हूँ तुम छापा मारो और उन्हें मार डालो। मैं ऐलान करना चाहता हूँ इस शहर में कि मेरे अलावा ये धंधा इस शहर में और कोई नहीं कर सकता। डिकोस्टा का कॉस्ट, जो माल मिले तुम्हारा, पैसे मिले वो भी तुम्हारे। ऊपर से 2 लाख रुपए मेरे पास से ले जाना। कब, कहाँ? 130 सिल्वर बीच। ओके, बंगलो नंबर 123। Sheila. यहाँ पर तो कुछ भी नहीं। वाह गुरु वाह, लेकिन इसका क्या होगा? हेलो हेलो मैडम, आई वांट टू स्पीक टू पूना। शीना, हेलो शीना, रवि कहाँ है? मोहिनी सुनो, तुम रवि। मोहिनी, मुझे रवि से मिलना है। किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। लेकिन मोहिनी मुझे मिलना है रवि से। आप किसी से नहीं मिल सकती। अरे मिलेगी ना आप लोग। डॉक्टर साहब मेरा सुहाग अंदर मर रहा है। शादी से पहले मैं विधवा हो रही और ये लोग मुझे से मिलने नहीं दे रहे। देखिए, अगर आप चाहती कि वो बच जाए तो कृपया आप लोग शोर मत कीजिए। वो जिंदा है, 4-4 गोलियों और 4-4 ऑपरेशन के बाद भी। तो कम से कम आप तो उसे मौत के मुंह में ढकेलिए। आप लोग 24 घंटे इंतजार कीजिए। मैं जानता हूँ जब तक उसकी मुट्ठी बंद है वो जिंदा रहेगा। लेकिन डॉक्टर साहब मुझे उससे मिलना है, देखना है मुझे। वो बेहोश है, लेकिन आप उनसे मिलेगी कैसे? आप प्लीज इन्हें समझाइए। और वैसे भी जब तक पुलिस परमिशन न दे आप उनसे मिल नहीं सकती। आप प्लीज इन्हें ले जाइए। ये सब क्या हो रहा है? मामा चलो मोहिनी, चलो मैं तुमसे। लेकिन रवि, चलो मोहिनी। इंस्पेक्टर डिकोस्टा, हमें इस शहर की आलीशान इमारतों और अंधेरी तंग गलियों में छुपे हुए मुजरिमों को इस तरह से खींच निकालना है जैसे सर्जन जिस्म के उस हिस्से को काट कर फेंक देते हैं जिसमें कैंसर। I understand, sir. और इसीलिए मैं चिंता में हूं। यानी? सर, बिल्डिंगों और तंग गलियों से पेशेवर मुजरिमों को पकड़ना तो आसान है, लेकिन हर आम शहरी के घर में तो नहीं घुस सकते। अब इसी केस को ही लीजिए, एक मामूली सा नौजवान फोटोग्राफर और 3 किलो हेरोइन बरामद हुई उसके घर से। 15 लाख कमा। जहर खरीदने वालों की नई नस्ल पैदा हुई तो बेचने वाले भी तो नए और कम उम्र के नौजवान भर्ती किए जाएंगे। इन्हीं के जरिए हम इस बुराई की जड़ तक पहुंचे। आई डाउट इट। जबान न खोलने का इनाम हमारी मार के डर से कहीं ज्यादा है। वो नहीं बोले। डीसीपी मिश्रा जब तहकीकात करता है तो गूंगे पत्थर भी बोलते हैं। गलियों से मुजरिम पकड़ लाने में तुम्हारी महारत है, मास्टरी है, मगर हलक में हाथ डालकर सच निकाल लेना ये दूसरा आर्ट है। यू लीव दिस केस टू मी। मैं देखता हूँ कि रवि मल्होत्रा सच कैसे नहीं बोलता। सिर्फ ये कि उसका हर हालत में जिंदा रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हालांकि मुझसे मिलने के बाद शायद वो मर जाना ही पसंद करेगी। कमिश्नर साहब, मुझे रवि से मिलना है। कोई नहीं मिल सकता। लेकिन मैं कोई नहीं हूँ, मेरा नाम मोहिनी है, मैं उसकी। आप उसकी कोई भी हो, पुलिस तहकीकात कर रहे हैं। इस दौरान किसी को उससे मिलने नहीं दिया जाएगा। अंडरस्टैंड? लेकिन क्यों नहीं मिलने दिया जाएगा? क्या हमारी जिंदगी और मौत पर पुलिस का पहरा है? तो क्या माँ को अपने बेटे से या बहन को अपने भाई से मिलने के लिए पुलिस की इजाजत लेनी पड़ेगी? और अगर ऐसी बात है तो बताइए, क्या मैं अपने रवि से मिल सकती हूँ? एक मिनट, आप है कौन? ये मेरी भांजी है मोहिनी। रवि के साथ इसकी शादी होने वाली थी। पुलिस इसे रवि से मिलने नहीं देती। क्या इस शहर में पुलिस राज चल रहा है? तो आप क्या चाहते हैं, गुंडा राज चलने दें? इतने सारे लोग मरीजों से मिलने आते हैं, वहां पर आपको कहीं पुलिस दिखाई देती है क्या? आपका रवि मुजरिम है और मुजरिमों से पूछताछ करने का पुलिस को पूरा हक है, अधिकार है। आपको तो एक केस की पूछताछ करनी है ना, लेकिन मुझे अपनी पूरी जिंदगी के बारे में पूछना है। प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बेटी को रवि से मिलने दीजिए। उसके होश आने के बाद उसने इसी का नाम लिया था। कि बचने की जितनी खुशी आपको है, बिलीव मी मुझे भी उतनी है। आप उससे मिलना चाहती हैं? यस सर। आइए मेरे साथ। रवि मैं हूं। आंखें खोलो रवि। रवि मैं हूं, मोहिनी। जिंदा हो, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम जिंदा हो। मेरा रवि जिंदा है। ये कौन है? परछाइयां हैं, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि हम इन परछाइयों में कैसे घिर गए? क्या हुआ रवि? इतना याद है कि किसी फैक्ट्री में उन्होंने गोली चला थी। मैं नहीं चाहता। मैं नहीं जानता है? ये रात किसी और को सुनाना मुझे नहीं। तुम इन्हें धोखा दे सकते हो, बल्कि दे रहे हो, लेकिन मुझसे बचकर नहीं जा सकते तुम। कानून तुम्हारे सर पर पहाड़ की तरह टूट पड़ा। तुम्हारे घर से 15 लाख की हेरोइन बरामद हुई और तुम कहते हो मैं नहीं जानता। जब पुलिस ने तुम्हारे घर पर छापा मारा, तुम्हारे हाथ में पिस्तौल थी और तुम कहते हो मैं नहीं जानता। इंस्पेक्टर डिकोस्टा ने अगर पहले गोली न चलाई होती तो शायद वो तुम्हारी जगह यहाँ पर लेटा होता, मगर इंस्पेक्टर डिकोस्टा कभी गलती नहीं करता। तुम्हारे इंस्पेक्टर डिकोस्टा ने जिंदगी में पहली गलती कर ली। नहीं जानता। शट अप। मैं नहीं जानता। किसके लिए काम करते हो तुम? किसने दिया है तुम्हें 15 लाख का जहर इस शहर के बच्चों को बांटने के लिए? मुझे उसका नाम चाहिए। प्लीज सर, ये पुलिस स्टेशन नहीं है। आप मेरे मरीज पर चिल्ला नहीं सकते। तुम्हें भी मुझ पर विश्वास नहीं? तुम्हारे अलावा किसी पर विश्वास नहीं, सिर्फ तुम पर है। I was right. मैंने कहा था ना, जब तक इसकी मुट्ठी बंद है ये जिंदा रहेगा। मंगलसूत्र है। क्या अब भी आप यही कहेंगे कि रवि? तुम्हें तो शर्म से डूब मरना चाहिए। जो तुम्हें प्यार करते हैं, तुम उन्हीं की जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हो। इस लड़की की वजह से मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ मुखबिर बनने का, शायद इसलिए कि ये तुम्हारा पहला जुर्म है। कौन है तुम्हारा लीडर? मैं नहीं जानता। सर प्लीज आप जाइए यहाँ से। एक बार ये बच जाएं, तो फिर आप चाहें इन्हें सूली पर भी चढ़ा दें। भूलना नहीं, अदालत तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हारे घर से 15 लाख की हेरोइन बरामद हुई और तुम कहते हो मैं नहीं जानता। जब पुलिस ने तुम्हारे घर पर छापा मारा, तुम्हारे हाथ में पिस्तौल थी और तुम कहते हो मैं नहीं जानता। किसके लिए काम करते हो तुम? किसने दिया है तुम्हें 15 लाख का जहर इस शहर के बच्चों को बांटने के लिए? मुझे उसका नाम चाहिए। डिकोस्टा, तुम्हारी जरूरत शहर की गलियों में। कोर्ट कचहरी मैं देख लूंगा। वैसे भी ये ओपन एंड शट केस है। सब मुजरिमों को पकड़ना मेरा काम है, उन्हें तोड़ना आपका। वी मेक अ ग्रेट टीम। कैरी ऑन। एक्सक्यूज मी सर। आप? सर वो मैं रवि के। देखिए, मैं आपके साथ हमदर्दी तो रख सकता हूँ, मदद नहीं कर सकता। अगर आपके साथ कोई ज्यादती हुई है, नाइंसाफी हुई है, तो उसके लिए अदालत है। किसके साथ नाइंसाफी हुई है? मुझसे ज्यादा नाइंसाफी का शिकार कौन है? मैं पूछती हूँ, इसमें मेरा क्या दोष है? कोई दोष नहीं, इसीलिए मुझे आपसे हमदर्दी है। मैं आपको कैसे विश्वास दिलाऊं सर कि रवि भी निर्दोष है मेरी तरह? वो तो खुद मर्यादा और कानून को मानने वाला एक ऐसा देवता है। आपके लिए देवता होगा, हमारे लिए नहीं। लेकिन सर, मैं आपके जज्बात की सच्चाई को मान सकता हूँ, उसे सच नहीं मान सकता। और आप? और आप नफरत करते हैं। पुलिस न किसी से मोहब्बत करती है न नफरत करती है, हम सिर्फ ड्यूटी करते हैं। अगर मेरी जगह अगर आपकी बहन होती तो भी क्या आप यही कहते सर? मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ अपनी बहन से ही कह रहा हूँ। मैं सिर्फ आपके साथ हमदर्दी रख सकता हूँ, माफ करना, मदद नहीं कर सकता। तमाम सरगवाहों और सबूतों की बिना पर मुल्जिम रवि मल्होत्रा को 4 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई जाती है। इंस्पेक्टर। इतना बड़ा सलसला है हमारी जिंदगी में और तुम अब भी सपना देख रही हो। आंखें खोलो, जागो मोहिनी, हकीकत देखो, ख्वाब नहीं। 4 साल जेल में रहने के बाद मैं क्या बनूंगा मैं खुद नहीं जानता। मोहब्बत को हिमाकत मत समझो मोहिनी। तुम्हारी और मेरी कहानी यहीं खत्म हुई। हमारा नाम तुम सुहान काहे आए यहाँ? अब आ ही गए हो तो हम तुम्हें बता दें कि तुम थे ही इसी लाइन। अरे भैया खून वून करना कौनो बड़ा गुनाह नहीं है। हाँ, दूसरा खून करके और पकड़े जाना ही सबसे बड़ा गुनाह है। ये बात अच्छी है कि तुमको भी हमारी तरह जास्ती बोलने की आदत ना ही पर हमारी कोठरिया में आके हमारे साथी बने हो तो हम दो को इस जंगल के बारे में कुछ बता दें। अरे भैया नरक है ये तो, नरक साहब चला था यहाँ साहब। हाँ खून तो कत्ल तो चोरी तो डकैती अफीम गांजा शराब जुआ सब चलत है। नेतागिरी मुकबल दादागिरी साहब दररोज। नहीं चलत है तो बस एक चीज बलात्कार। क्यों? लौंडिया जो नहीं सुसरी। हाँ नहीं तो वो भी चलता। अब देखा हम तो क्या बता देते हैं। वो है ना वो वाला, वो है राजा ठाकुर 130 कदम का मुखिया। और अपोजिशन में है काले सरकार, वो भी हमारे पटना के हैं। जैसे वो पनवा खा के पी के थूके ना उनवा भी ऐसे ही बहाते हैं। पूरे 130 के मुखिया हैं वो भी। हम भी उन्हीं के दल में हैं। का करी जान बचाने खातिर शामिल होना ही पड़ता है। अरे वो देखो जज साहब भी आ गए। लिया? पी लिया ना जानो हो। अरे पूरा गांव का गांव साफ कर दिए, एक ही रात में 700 जान मार दिए। कोर्ट बोला पगला गए, इसलिए फांसी ना हुई, उम्र कैद हुई। और ऐसी उम्र कैद जो 100 साल के भी ऊपर जावे है। कैदी नंबर 211, कैदी नंबर 212, कैदी नंबर 212। सुन बे, राजा ठाकुर तेरे बाप के भी बाप है, इनकी इज्जत करना तेरा फर्ज है। ये जो कहे उसे ध्यान से सुन, और ये जो चाहे चुपचाप उस पर अमल कर, इसी में तेरी भलाई है। सुन बे, 365 आज से तुम्हारी जिंदगी पर हमारा हुक्म चलेगा। इस जेल में तेरा उठना बैठना, खाना पीना, कुछ करना ना करना, इस पे हमारे दस्तखत होंगे, समझा? सिर्फ सांस तो अपनी मर्जी से ले सकता है, वो भी जब तक हम चाहे तब तक। जा। सुन, 515 मैं जानवरों के साथ शामिल होकर भी जानवर नहीं बनूंगा। बच्चों में जिद अच्छी लगती है, औरतों में शानदार लगती है, बादशाहों में बेरहम लगती है, मगर इसकी ये जिद कैसी है रे? फैसला कर लिया है। हम ये तो ना कह सकते कि हमें बहुत खुशी हुई, किंतु इन हालात में फैसला कर लेना ही उचित कर्म है। मैं कानून पढ़ूंगा। इसका मतलब कानून के सामने इंसान इतना कमजोर क्यों है, मुझे ये जानना है। कानून मेरी हिफाजत क्यों नहीं कर सकता, मुझे यह भी जानना है। इंसान ने जो कानून बनाया वो इंसान के खिलाफ कब हुआ, मुझे इसका भी पता लगाना है। वकील बनी हो, कानून पढ़ी हो, अरे पर ये सब तो तभी हो सका था जब जिंदा रहोगे। हम अपनी कहते हैं शामिल हो जाओ दल में, वरना ये सब तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। कानून पढ़ने के लिए मुझे किताबें चाहिए, मैंने कमिश्नर साहब को चिट्ठी लिखी है। दादा सेठ से जाके बोलो मैं आ गया हूँ, और उससे कहना कि सौदा अकेले में होगा, किसी तीसरे आदमी के सामने नहीं, ओके? वार्डन के ऑफिस में तुम्हारे लिए कुछ आया है। थैंक यू कमिश्नर, थैंक यू। हाँ, भेजे तो कमिश्नर साहब नहीं है, मगर देने में आई हूँ। मोहिनी, मोहिनी, मैंने तुम्हें 500 खत लिखे, तुमने एक का भी जवाब नहीं दिया। तुम कैसे हो? क्या मुझे जानने का कोई हक नहीं था? क्या मैं तुम्हारे सच के काबिल नहीं थी? क्या लिखता मैं तुम्हें कि कैसे जी जी के मर रहा हूं और मर मर के जी रहा हूं। अंधेरे में रहकर भटक रहा था, तुम तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ रहा था, और रास्ता मिला तो देखो दरवाजा खोलने के लिए तुम ही आ गई। क्या हुआ? कुछ नहीं। दर्द इतना मीठा भी हो सकता है, ये आज पता चला। चाय पिएगा क्या? हाँ ले। जब तक इस दायरे में हो महफूज हो, दायरे से बाहर निकले तो मुझसे शायद तुम्हें खुदा भी नहीं बचा पाएगा। अबे ये तेरे बाप की लक्ष्मण रेखा है क्या कि पार कदम रखा तो सीता को रावण उठा ले जाएगा? दे, रखा कदम। दायरे में रहोगे, महफूज रहोगे। रास्ते देख अब इनका क्या कष्ट? इनकी अपील यह है कि तुम्हें जीने ना दिया जाए, लेकिन मेरी दलील यह है क्योंकि हमला तुमने पहले नहीं किया इसलिए तुम्हें माफ कर दिया जाए। अबे तू क्या देवता है जो हम तुझे माफ कर देंगे? लड़ता तो शैतान की तरह है तू। मुश्किल यही है, हालात इंसान को शैतान बना देता है अगर देवता नहीं। देवता कैसे बनते ये तो मैं नहीं जानता। मैं एक इंसान हूं और हालात को इस बात की इजाजत नहीं दे सकता कि वो मुझे शैतान बना दे आप लोगों की तरह। वाह जियो मुन्ना जियो। मुजरिम होने का दाग तो तुम पर लग ही चुका है। उससे पहले की कोरी जिंदगी कैसी थी? क्या जुर्म किया था तुमने? जुर्म? नफरत की इस दुनिया में मोहब्बत शायद सबसे बड़ा जुर्म है। मेरी मोहब्बत का नाम मोहिनी है। मोहिनी जिसे देख के फूल खिलखिलाते हैं, पंछी गीत गाते हैं। डिकोस्टा डिकोस्टा डिकोस्टा, ये वही हरामजादा डिकोस्टा है जिसकी जलालत ना हम जैसे मुजरिमों को छोड़ती है और ना तुम जैसे मासूमों को बख्शती है। राजा ठाकुर तू बोल बोल तू। तेरी ये कहानी सुनकर अंधा तो क्या गूंगा भी कहेगा कि तू डिकोस्टा का शिकार है। तू पढ़ रे, तू पढ़। अगर ये तेरी पढ़ाई डिकोस्टा के लिए है ना तो हमारे किसी गैंग में शामिल होने की जरूरत नहीं। तू पढ़। पढ़ाई किसी राक्षस को खत्म नहीं कर सकती। मगर मंत्र से किया जा सकता है और पढ़ाई किसी मंत्र से कम नहीं। अगर ये तेरा मंत्र है, अगर ये तेरा मंत्र है तो एक बार तू उसे यहाँ ले आए, एक बार। जादू मंत्र दिखा दे मुन्ना, अपना जादू मंत्र दिखा दे, तेरा एहसान होगा, तेरा एहसान होगा। पढ़। वहाँ क्या आजकल कितनी भी पियो ना, कुछ भी नशा नहीं होता अपने को। हाँ यार। Can I use the phone? Thank you. आप अकेली बैठी हैं, अच्छी नहीं लगती। क्यों? हमें भी ज्वाइन कीजिए ना। या हम ही ज्वाइन हो जाए? फिर वो गाना क्या है? हाँ, लॉन्ग ड्राइव जाएंगे। Shut up. अब ये अकेली नहीं है। तू कौन है? इसका बाप? हाँ? इनका मैं क्या लगता हूं वो एक बात है, और मैं किस किस का बाप हूं वो दूसरी बात। समझे? चलो यहां से चलते बनो, तुम लोगों का बिल मैं चुका दूंगा। सुनिए, थैंक यू वेरी मच। ये लफंगे लफंगे तो ये हैं, लेकिन जब तक आप अपनी ये खूबसूरती ढक के नहीं रखेंगी, ऐसे लफंगे तो आपको मिलते रहेंगे। जी, जिसका मैं इंतजार कर रही थी लगता है वो नहीं आने वाली। मैं घर चलती हूँ। आइए, कहें तो मैं आपके साथ चलूँ? जी, आप क्यों तकलीफ करेंगे, मैं तो घर चली जाऊंगी, अब तो कोई खतरा नहीं है। यही सोचकर तो आप यहाँ भी आई थी। आइए आइए। जानता हूँ आज तुम बहुत खुश हो। रवि पास हो गया है, फर्स्ट क्लास फर्स्ट आया है। कल के अखबारों में उसका फोटो छपेगा, सारा हिंदुस्तान भी ये करिश्मा देखेगा। रवि ने अपने जिंदगी के 2.5 साल जेल में गंवाए नहीं, कमाए। और यकीन रखो, रवि अब ज्यादा दिन जेल में नहीं रहेगा। मगर रवि की सजा तो 4 साल की है। तुम लोगों का सुख छीनने में मेरा भी कुछ हाथ था, और अब दुख हटाने में मैं पूरी मदद करूंगा। अगर रवि के साथ कुछ ज्यादती हुई है तो उसे आजादी दिलाकर मैं अपना गिल्ट कुछ कम करूंगा। थैंक यू सर। गुरु, वो लीली का फोन कई बार आ चुका, मरने दो उसे। क्या होगा? कुछ नहीं, ये तो पिछले जन्म की बात है। वो कहता है ना कि पिछले जन्म का हिसाब अगले जन्म में हो ही नहीं सकता। रवि मल्होत्रा की सजा में 2 साल बाकी हैं। अगर उसने कोई हरकत करने की कोशिश की तो जला के राख कर दूंगा। मेरा विश्वास पराजय को जहर होता है, मेरा उल्लास उदासी को कहर होता है। मुझे घिरते हुए अंधियारों की परवाह क्या है, मेरी हर रात का अंजाम सहर होता है। फैंटास्टिक, कितनी अच्छी बातें करते हैं आप मुझे पहले क्यों नहीं मिले? हाँ, ये तो मैं भी सोचता रहता हूँ। वैसे अगर पहले मिले होते तो क्या होता? किसी से मिलवाती आपको? आपसे मिलने के बाद किसी और से मिलने की हसरत नहीं रही जी। हाँ, अमृत पीने के बाद कोई काढ़ा थोड़ी पीता है। आप हंसती हैं तो घुंघरू बजते हैं। एक बात समझ में नहीं आती कि आपकी आंखों में आंसुओं का पहरा क्यों रहता है। कितनी उदास है आपकी आंखें, लगता है अभी रो देंगी। मुझे नहीं बताएंगी आप अपनी कहानी? कहानी? अच्छा कहा, कभी कभी जिंदगी भी एक कहानी बनकर रह जाती है। हर कहानी की एक शुरुआत, एक सेंटर और फिर एक अंत। मेरी कहानी का भी अंत नहीं हुआ। जब होगा जरूर बताऊंगी। मुझे पहचानते हो? भयानक सपनों को भूल जाना अच्छी बात नहीं। कुछ देने आया हूं तुम्हें, एक पैगाम, एक इनाम। लेकिन इससे पहले एक बात पूछना चाहता हूं। याद रखो, अगर झूठ का ख्याल भी तुम्हारे दिमाग में आया तो उसकी आवाज मुझे सुनाई देगी। जिस जुर्म के लिए तुम यहां पर हो, क्या वो जुर्म तुमने किया था? सर, आधी से ज्यादा सजा मैं यहाँ काट चुका हूँ और बाकी चैन से काट सकता हूँ। तब तो झूठ बोलने की कोई वजह भी थी, मगर अब बिल्कुल नहीं। मैंने तब भी कहा था कि मैं बेकसूर हूँ और आज भी कहता हूँ कि मैंने ऐसा कोई जुर्म नहीं किया। तुम्हारी रिहाई का हुक्मनामा, योर रिलीज ऑर्डर। लॉ मिनिस्टर ने कहा कि इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट जेल में क्या कर रहा है। थैंक यू। मुबारक। थैंक यू सर। और अब तुम्हारा इनाम। आंखें हो खुली या बंद सनम, तेरी तस्वीर दिखाई दे। पलकें हो खुली या बंद सनम, तेरी तस्वीर दिखाई दे। मेरा नाम पुकारे जब कोई, मुझे तेरा नाम सुनाई दे। नमस्ते साहिब। मोहिनी से कहो मैं आया हूँ। तू तो घर पे नहीं है। घर पे नहीं है? आज भी कमाल करते हैं बाबू साहब, आज के दिन घर पे मिलने आए रहे। तो कहाँ जाता? ये घर तो उन्हीं का है ना? हाँ, ये घर उन्हीं का था पर आज के बाद नहीं रहा। क्या बक रहे हो? हम सच कह रहे हैं बाबू साहब। अग्नि के साथ फेरा लई के आपन घर बसई है, शादी रचाए रहे गोकुल दास टेकरी वाले मंदिर में। शादी आज कब? 4 बजे का वक्त रही। जगाया क्यों नहीं? मीठे सपने तोड़ने का पाप मैं अपने सिर पे कैसे लेती? कितने जमाने के बाद आजादी की नींद सो रहे थे। हाँ, जेल में सायरन सुलाता था, सायरन जगाता था। कैसे लग रही हूँ मैं? अच्छी। उधर देखिए, रवि, लेट्स Forget the past. Forget the past? क्या वो इतना आसान है? हाँ, इतना आसान है रवि, आसान है। उदासी का सिर्फ एक सुर होता है जिसे पकड़कर मैं जीती रही हूँ, और गुस्से का भी एक ही सुर होता है जिसे पकड़कर तुम जी रहे हो। मगर जिंदगी में 7 सुर होते हैं रवि, 7 सुर। क्या हम इन 7 सुरों को पकड़कर नहीं चल सकते? कहाँ? बरोड़ा। वहाँ क्या है? एक नई जिंदगी है रवि, नई जिंदगी। हम ये शहर छोड़ देंगे। ये देखो तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर। कमिश्नर साहब की सिफारिश से तुम्हें बरोड़ा फार्मास्यूटिकल कंपनी में लीगल एडवाइजर अपॉइंट कर लिया है। कैड में सिर्फ तुम नहीं थे रवि, मैं भी थी, मगर मैंने भविष्य के बारे में सोचा है। रवि, 2.5 साल का ये ग्रहण क्या हमारी पूरी जिंदगी को खा जाएगा? रवि, मैं जानती हूँ तुम्हारे सीने में बहुत जहर है, लेकिन ये जहर तुम मुझे दे दो, मुझे पीने दो ये जहर। भूल जाओ सब कुछ रवि, सबको माफ कर दो प्लीज, मेरी खातिर, इसकी खातिर, प्लीज रवि। मैं देखती हूँ। तलाशी लो इस घर की। 1 बार का मुजरिम कानून की नजर में मुजरिम ही रहता है। मुजरिम की आदत जाती नहीं है। ढूंढो अच्छी तरह से, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। सच ही मिलेगा। इसके 2 कारण हैं। पहले भी यह सच ही था, आज भी यह सच ही होगा। तुम्हारा ये सच अदालत देख चुकी है, और याद रखो दोबारा भी देख सकती है। अंदर जाओ। मैंने कहा ना अंदर जाओ। कौन? डिकोस्टा। यही नाम है ना तुम्हारा? 1 बात समझ लो, जो तब हुआ था वो आज नहीं होगा। इसके 2 कारण हैं। तब तुम्हारी मुलाकात एक सीधे सादे शरीफ इंसान से हुई थी, आज तुम्हारी टक्कर एक सजायाफ्ता मुजरिम से हो रही है, जो इत्तफाक से एक वकील भी है। अखबार पढ़ते हो ना? मेरी एक ठोकर पर 5-5 वकील निकल आते हैं, सजा काट कर आए हुए कैदी। ये फाइल हमेशा तुम्हारी जिंदगी पर पत्थर की तरह रखी रहेगी, और डिकोस्टा मौत के साये की तरह तुम्हारे सर पर रहेगा। अपाहिज और कमजोर लोग इंतकाम के सपने देखते हैं, लेकिन तुम्हारे नसीब में तो वो भी नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें सोने भी नहीं दूंगा। साहब, ऑर्डर साहब। बाहर जाकर इंतजार करो। अफसर का हुक्म मानने में इतना जोश दिखाते हो कि कानून को ही भूल जाते हो। अगर वारंट 2बार अंदर आए, अर्धी उतर जाएगी, तुम्हारे इस अफसर की भी। चाय पियोगे? चलो। बोलो, क्या कहना चाहते हो? You have raped my life. तुमने मेरे जीवन से बलात्कार किया है, और मर्द की जिल्लत औरत के बलात्कार से ज्यादा शर्मनाक होती है। चाय लो। Get out! Get Get lost, you bastard! निकल जाओ मेरे घर से कैसे? Get lost, get out! तब तुमने इस घर में आकर भूल की थी। आज तुमने अपनी कमर खोद ली। ये सांस न उछते जाएंगे। इस पर्दी से नंगे किए जाओगे तुम। तुम्हारी नंगी लाश की कमर मैं 6 फुट नहीं 60 फुट गहरा बनाऊंगा। तुम्हारी रूह भी दफना दी जाएंगी। Get lost! इससे पहले कि मैं तुम्हारे सीनियर्स को बुलाऊं, Get lost! जो मैं चाहता था वही हुआ। अब तुम्हें खत्म करके ही मेरी रूह को तस्कीन मिलेगी। ये टक्कर तुम दोनों को बहुत भारी पड़ने वाली है। Officer. Good morning, sir. Morning. Sir, मुझे नहीं मालूम था आप भी यहाँ जॉगिंग के लिए आते हैं। आता नहीं हूँ, आज ही आया हूँ तुमसे मिलने। इसकी क्या जरूरत थी सर? आप मुझे फोन कर देते, मैं आपके दफ्तर में आ जाता। अनऑफिशियली तुमसे कुछ कहना था, इसलिए तुम्हें नहीं बुलाया, खुद चला आया। सर घर पर आता, लेकिन पता चला तुम्हारा कोई परमानेंट घर ही नहीं है। क्या ये सच है? सर घर ना हो ना कोई जुर्म तो नहीं है। इस देश में बेशुमार लोग ऐसे हैं जिनका अपना कोई घर नहीं। शादी भी नहीं की थी। ये तुम्हारा पर्सनल मामला है, लेकिन सोसाइटी को ऐसे लोगों से डर लगता है जिनके आगे पीछे कोई नहीं। सर जिस वजह से घर नहीं बनवाया उसी वजह से शादी नहीं। सजा याफ्ता क्रिमिनल्स मुझे मेरी फैमिली की वजह से कभी दबा नहीं सकते, डरा धमका नहीं सकते। तुम्हारी रूथलेसनेस आज मेरी समझ में आई, मगर रवि के साथ कुछ ज्यादा ही नाइंसाफी हुई। रवि कौन सा? रवि मल्होत्रा, जिसे तुमने 4 साल के लिए जेल भिजवा दिया था और जो 2.5 साल में फर्स्ट क्लास वकील बनकर बाहर निकला है। सर मैंने सुना है उसकी सजा कम करवाने में आपकी मेहरबानी का भी हाथ। मोहिनी से मिले थे? उसके घर गए थे? एक बार जरूर गया था, उसका इरादा मालूम करने। सजा याफ्ता मुजरिमों से पुलिस मिलती ही रहती है। इंस्पेक्टर डिकोस्टा, तुम इस मुजरिम से अब नहीं मिलोगे, दोबारा उनके घर में भी नहीं जाओगे। तुम्हारा रिकॉर्ड स्पॉटलेस है, बेदाग। मैं नहीं चाहता मेरे किसी भी ऑफिसर पर कोई इल्जाम आए, इसलिए तुम ऑफिशियल ऑर्डर ही समझना कि अब तुम उनके करीब भी नहीं जाओगे, क्योंकि रवि मल्होत्रा का केस अगर रीओपन हुआ, दोबारा तहकीकात हुई, तो आपकी बार सजा किसे मिलेगी वो मैं भी नहीं चाहता। पांच कमीजें, 2 ब्लाउज, 4 टॉवल्स, 6 नैपकिन, 6 और ये कहीं नहीं जाएगी। अगर नहीं जाएगी तो तुम्हें ही अफसोस होगा कि इसने ये सब क्यों सुना जो मैं तुमसे कहने वाला हूं। आ जाओ। अरे अगर तुमसे इतनी मोहब्बत ना करता तो कभी का तुम्हें विधवा बना दिया होता। मेरी शिकायत की है तेरे वो जो भी लगता है तेरा, वो मेरे पति हैं। और मैं उनके खिलाफ कोई बुराई नहीं सुनूंगी। पति, अरे उसे तो नामर्द बना दिया है मैंने। मेरी बात का यकीन कर लो मोहिनी, वो तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकता। क्या करोगे? करने को तो मैं अभी तुम्हें यहाँ से उठा के ले जा सकता हूँ, लेकिन मैं वो नहीं करूँगा। उसे वापस जेल की नरक में भिजवा सकता हूँ, लेकिन मैं वो भी नहीं करूँगा। चाहूँ तो उसे जान से मार सकता हूँ, लेकिन वो भी नहीं करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी मर्जी से मेरे पास आओ। और तुम समझते हो ये होगा? खरबूजा छुरी से पूछता है कि मैं कटूंगा? ना तो मैं खरबूजा हूँ और ना ही तुम छुरी। महज एक इंसान हूँ हमारी तरह। अफसोस तो मुझे इस बात का है कि मैं तुम्हारे फरेब में आ गई। कितनी इज्जत करती थी मैं तुम्हारी। मुझे कोई जरूरत नहीं है इज्जत की, और सच पूछो तो मोहब्बत की भी जरूरत नहीं है। मुझे शौक है सिर्फ इस बात का कि सब मुझसे डर के रहें। मोहब्बत की छांव देने वाला पेड़ भी पैदा होता है डर के बीच। डरोगी तो मोहब्बत करोगी, मोहब्बत करोगी तो डरोगी। मेरा धीरज गिद्ध की तरह है। एक मौत होगी जिसका तुम्हें भी इंतजार रहेगा और मुझे भी। अगर उसकी जिंदगी चाहती हो तो छोड़ दो उसे और हमेशा के लिए डिकोस्टा की हो जाओ। मेरी बात खत्म, किस्सा तमाम शुद्ध। खामोश, अगर कोई भी चिल्लाया तो गोली मार दूंगा। गोली चिल्लाने देने। ये जितना चिल्लाएंगे वो पुलिस कमिश्नर अपने आप को उतना ही बेबस और मजबूर समझेगा। समझे? सर, जो मैंने सुना है वो सच है? यस इंस्पेक्टर, आतंकवादियों ने कुछ बच्चों को किडनैप कर लिया है। उनकी डिमांड है 1 करोड़ रुपया और भाग जाने के लिए गाड़ी। और हम उन्हें जाने देंगे सर? इस बात की क्या गारंटी है कि वो पैसा लेने के बाद बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे? हमारे पास कोई चारा है। और प्लीज देखो सर, तुम मुझे कोई राय नहीं देना। चिल्लाओ हरामजादा! हेलो, गाड़ी आ गई है और यकीन रखो पहली गोली हमारी तरफ से नहीं चलेगी, लेकिन एक शर्त है, बच्चों को किसी किस्म की तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। सर डिले। जितनी ही देर होगी उतना ही ये लोग कमजोर होते जाएंगे। एक बार आगे की सिचुएशन देख लो। ये माइक संभालो। यस सर। और हर 1 मिनट के बाद अनाउंस करते रहना, रुपया निकल चुका है, रुपया चल पड़ा है, रुपया आ रहा है। ओके सर। ओके, मैं बाईं तरफ से जा रहा हूँ, तुम दाहिनी तरफ से अप्रोच करो। जवान, 3 मिनट के बाद बिल्डिंग की पिछली तरफ एक धमाका होना चाहिए। ओके? राइट सर, विल गेट देम सर। हमारा पहला मकसद है बच्चों की हिफाजत। भागो बच्चों, भागो भागो बच्चों। जाओ बच्चों। काश उनकी जगह मैं मर गया। वो मेरे बड़े भाई जैसे थे, एक निहायत ईमानदार और बहादुर ऑफिसर। काश उनकी जगह मैं मर गया होता। क्या हुआ? क्या हुआ? रवि उसने कमिश्नर साहब को मार डाला। रवि मार डाला उसने। दरअसल गलती मेरी है रवि, मैंने हत्या की है उनकी। गलती मेरी है। तुम्हारी कैसे? ये झूठ है कि वो मुठभेड़ में मारे गए थे। उस नीच डिकॉस्टा ने उनका खून किया है। उसी ने किया है उनका खून। मैं कमिश्नर साहब के पास गई थी, मैंने उनको वो सारी तस्वीरें दिखाई, ये भी बताया कि उसने कैसे मुझे धमकी दी थी। तुमने? हमें। सारा दोष मेरा ही है रवि, सारा दोष मेरा है। ना मैं उनके पास जाती, ना वो उसे कुछ बताते, और फिर ना ये सब कुछ। रवि रवि, मैंने तुम्हें रोका था ना, मैंने ही तुम्हें सौगंध दी थी ना। आज मैं ही तुमसे कह रही हूँ, उस कातिल डिकॉस्टा को खत्म कर दो, जमीन में गाड़ दो उसे, आग में जला दो उसे, जहरीले तेजाब में गला दो उसे। मेरी खातिर, मेरे खातिर रवि। तुम्हारा मंगलसूत्र उसकी मौत से बहुत ऊपर है मोहिनी, यकीन रखो वो मरेगा। वो मर चुका है, मर चुका है वो। बोल प्लीज। बोल बोल। यही है डीसीपी मिश्रा का कातिल। हाँ यही है डीसीपी मिश्रा का कातिल। यही है डीसीपी मिश्रा का कातिल। यही है डीसीपी मिश्रा का कातिल। भागो चलो चलो। मिश्रा के कातिल तुम हो, डीसीपी मिश्रा के कातिल तुम हो। रवि, मैंने तुम्हारे कहने पर अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया है, अपना रेपुटेशन, अपना पेपर, जो कुछ तुमने कहा मैंने वो सब छाप दिया। कल अगर तुम इसे सच साबित नहीं कर सके तो मैं जेल भी जा सकती हूँ। मुझ पर भरोसा रखो शीना, तुम पर कोई आंच नहीं आएगी। तुम्हारे या तुम्हारी पेपर की शान घटेगी नहीं, बढ़ेगी। आई होप यू राइट रवि। बिलीव मी, आई एम राइट। Sir, have you seen this? This is the bloody limit, sir. आपने देखा क्या छापा है मेरे बारे में? इंस्पेक्टर, मैं भी हैरान हूँ। आप हैरान हैं, सारी दुनिया हैरान है सर। And what about me? सर, मुझे इस अखबार के एडिटर को गिरफ्तार करने के लिए वारंट चाहिए। वो हमारी जेल में हो और तहकीकात मैं करूँ। और इस अखबार के दफ्तर में तो ताले लग जाने चाहिए। तमाशा खत्म, over। तुम इस एडिटर को जानते हो? जी नहीं, और मैं जानना भी नहीं चाहता। मैं जानता हूँ। बतौर एडिटर शीना वासुदेव की बहुत इज्जत है। क्या इज्जत है सर? दूसरों के नाम पे कीचड़ उछालना इसका काम है, अफवाहें फैलाती है ये ब्लडी जर्नलिस्ट। आप समझ रहे हैं ना सर, बगैर किसी सबूत के इतना कुछ। सबूत मेरे पास है। सर, मैं एक लाइसेंस याफ्ता वकील हूँ और मेरा नाम। ये एक सजा याफ्ता मुजरिम है सर, ड्रग्स के धंधे में पकड़ा गया था। पूछिए इससे, इसका नाम नहीं इसका नंबर पूछिए। हाँ हाँ, मैं एक नाम नहीं एक नंबर बनकर जिंदा रहा हूँ। तुम्हारी चलाई हुई 4 गोलियां मैं भूल सकता हूँ, मगर वो नंबर नहीं। सर, ये रहे मेरे सर्टिफिकेट और मेरा लाइसेंस। तुम्हारा इस केस से क्या ताल्लुक है? वही जो इस कातिल डिकोस्टा का है। इंस्पेक्टर, मुझे बोलने दो। तुम्हें मालूम है ये ऑफिसर 5 बार बहादुरी के इनाम ले चुका है। अगर मैं छठी बार इनाम लेने नहीं दूंगा, मैं इसे सजा दिलवा कर ही लूंगा। अरे तेरे पास क्या सबूत होगा? सबूतों के अलावा मेरे पास एक चश्मदीद गवाह भी है। गवाह? एक ऐसा गवाह जो आपके अंधे कानून को आकर यह बताएगा कि उसने अपनी खुली आंखों से क्या देखा। ये झूठ बोल रहा है सर। तुम गवाह को साथ क्यों नहीं लाए? दिन दहाड़े जब किसी पुलिस कमिश्नर का खून किया जा सकता है, तो क्या एक गवाह बख्श दिया जाएगा? ये सब अखबार में देने से पहले तुम हमारे पास भी आ सकते थे। आ जाता तो मैं और केस दोनों दबा दिए जाते। अब ऐसा कोई चांस नहीं। तो अब क्यों आया? दुनिया में 3 तरह की अदालतें होती हैं। जनता की अदालत, जिसके सामने मैंने केस पेश कर दिया है। पुलिस की अदालत, जहां इस वक्त पेशी चल रही है। और इंसाफ की अदालत, जहां मैं इसे नहीं ले जाता तो शायद ये मुझे वहां ले जाता। शायद नहीं, यकीन। बात तू देखेगा, तेरा तमाशा खत्म, ओवर, तमाम सच। यहां से उम्मीद भी नहीं थी, वहां देखा जाएगा। मिस्टर रवि, फर्ज करो एक मछली खराब हो जाए तो सारे समंदर पर मुकदमा दायर करोगे? समंदर का अपना निजाम होता है जी। पुलिस की अपनी एक एक्शन कमेटी होती है, ट्रिब्यूनल। तुम अपने चश्मदीद गवाह को हमारे ट्रिब्यूनल के सामने ला सकते हो कल 4 बजे। बेशक सर, चश्मदीद गवाह कल 4 बजे। सुना है हुजूर कष्ट में है। मैं आपका दोस्त बोल रहा हूँ, सिकंदर बाख्त। अरे मुसीबत में जो दोस्त काम ना आए, लानत है उसकी दोस्ती पर। सुना है कल 4 बजे ट्रिब्यूनल में वो गवाह पेश करने वाला है। गम न करो, वो ट्रिब्यूनल तक नहीं पहुँच पाएगा, कहीं और पहुँचा दिया जाएगा। लेकिन प्यारे भाई डिकोस्टा, जैसे तुम दोस्ती के बावजूद हर काम की कीमत वसूल करते हो, उसी तरह हम अपनी इस मेहरबानी की कीमत वसूल करेंगे। बोलो मंजूर? मंजूर है। शर्मनाक बात है सर, शर्मनाक। मेरी जगह अगर कोई कमजोर इंसान होता तो शायद अब तक जहर खा के मर गया होता। एक मामूली शहरी, एक सिविलियन, बल्कि एक घटिया मुजरिम मुझे अपनी नजरों में और दुनिया की नजरों में नीचा दिखाना चाहता है और हम बर्दाश्त कर रहे हैं। हमारे अपने डिपार्टमेंट में आकर वो मुझ पर इल्जाम लगाएगा। सर कोई चश्मदीद गवाह नहीं है, ये तमाशा आप भी देखेंगे और मैं भी देखूंगा। इंस्पेक्टर डिकोस्टा, हम सब जानते हैं कि यह झूठा इल्जाम है, मगर उसके झूठ से तुम क्यों परेशान होते हो? सच को सामने आने दो। किसका सच सर, मेरा या उसका? एक डेकोरेटेड पुलिस ऑफिसर का सच या एक सजा याफ्ता मुजरिम का सच? वो 2 टके का वकील। आइए मिस्टर रवि। सॉरी सर, मैं आधा मिनट और लेट हो गया क्योंकि रास्ते में चश्मदीद गवाह की टांग टूट गई या दिल का दौरा पड़ गया। कहां मर गया तुम्हारा चश्मदीद गवाह? देखा आपने? मिस्टर रवि, ये ट्रिब्यूनल इसलिए बुलाया गया था कि आप एक चश्मदीद गवाह पेश करने वाले थे, लेकिन वो गवाह आपके साथ नहीं है। वो गवाह भी आ रहा है सर, आप यकीन रखें, आप उस गवाह से जरूर मिलेंगे। फिलहाल ये वो बयान है जो उस गवाह का लिखा हुआ है। 27 फरवरी के रोज, यानी जिस दिन डिप्टी कमिश्नर मिश्रा का खून हुआ। आई प्रोटेस्ट, कुछ भी साबित हुए बगैर ये खून और कत्ल कहता रहेगा और हम सुनते रहेंगे। ऑब्जेक्शन सस्टेन। सर कहना मैं ये चाहता था कि 27 फरवरी के रोज जो कुछ भी हुआ या जो कुछ भी मेरे चश्मदीद गवाह ने देखा वो सब इस बयान में लिखा हुआ है। अब अगर मेरा चश्मदीद गवाह भी चाहे तो वो इस बयान को बदल नहीं सकता। तो जो सच आप बताएंगे उसकी तस्दीक इस बयान के साथ की जाएगी, या वो झूठा साबित होगा या फिर आप। सर मुझे जेरा की परमिशन दी जाए। इजाजत है। इंस्पेक्टर डिकोस्टा, 27 फरवरी के रोज 11:20 पर आपको खबर मिली कि रोहिला फैक्ट्री के पुराने खंडर में आतंकवादियों ने 12 बच्चों को अपने कब्जे में कर लिया। आपने क्या किया? पुलिस ऑफिसर और क्या करेगा, मैं भागकर जीप में बैठा और ड्राइवर से कहा कि रोहिला चलो। ठीक है, सामने और जीप में बैठने के बाद आपने कुछ किया? क्या करूंगा? मेरे चश्मदीद गवाह का कहना है कि आपने रिवॉल्वर निकाला और गोलियां चेक की। पुलिस ऑफिसर मिशन पर जाते वक्त रिवॉल्वर चेक नहीं करेगा तो क्या करेगा? जो पूछा जाए उसका जवाब दीजिए। और आपसे कुछ पूछा गया था ना? प्लीज प्रोसीड। सर जीप चली, आप रोहिला पहुंचे, कितना वक्त लगा? आधा घंटा, 35 मिनट, 45 मिनट, क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है। पुलिस ने फैक्ट्री को घेर रखा था, जब आप वहां पहुंचे क्या वजह था? मुझे नहीं मालूम। आपको पता है क्योंकि आपने उतरते ही घड़ी देखी थी। 11:50। सर आप चाहे तो बयान में टाइम चेक कर सकते हैं। कमाल की बात है इंस्पेक्टर डिकोस्टा, मेरे चश्मदीद गवाह को आपकी हर हरकत याद है और आपको अपनी हरकतें याद नहीं? सोच के बताइए, दिमाग खर्च करने से दिमाग कम नहीं होता। आपने डिप्टी कमिश्नर मिश्रा को देखा, आप उनकी तरह बढ़े ना? पढ़ा तो? डिप्टी कमिश्नर मिश्रा तक जाते जाते आपने क्या किया? कान खुजाया, जमाई ली, क्या फर्क पड़ता है? जेब से रिवॉल्वर निकाला और फिर से गोलियां चेक की। रबिश, मैं दोबारा पिस्तौल क्यों चेक करूंगा? हाँ याद आया, मैंने चश्मा उतार कर जेब में रखा। बयान में देख लीजिएगा सर, यह भी लिखा है कि चश्मा उतार कर जेब में रख दिया। आप कमिश्नर साहब से मिले, टेररिस्टों की डिमांड थी 1 करोड़ रुपया और भागने के लिए गाड़ी तैयार थी और रुपयों का बैग कमिश्नर साहब के गाड़ी में था। कमिश्नर साहब ने कहा हम मांगे पूरी करने के लिए तैयार हैं, मगर क्या भरोसा कि वो बच्चों की जान बख्श देंगे। बकवास, ये मैंने कहा था, कमिश्नर साहब ने नहीं। देख लीजिए, बयान में यही लिखा है कि ये इन्होंने ही कहा था। आपने अटैक का प्लान बनाया, आतंकवादियों का ध्यान हटाने के लिए एक छोटा सा हैंड ग्रेनेड फेंका गया। उसी दौरान आप पीछे से और कमिश्नर साहब सामने के गेट से अंदर। सामने से मैं गया था। सॉरी, मैं भूल गया, मगर बयान में यही लिखा है सर। आप सामने से गए और आपने देखा कि दो आतंकवादी अलग अलग दिशाओं से उतर गए जहां धमाका हुआ। आप मौत से डरते नहीं, इसलिए आपने सामने से हमला करके दो में से एक आतंकवादी को मार दिया और भागो कहकर बच्चों को वहां से भगा दिया। क्या यह भी गुनाह था कि मैंने 12 मासूम बच्चों को मरने से बचाया? आप उन्हें न भगाते तो शायद वो भी चश्मदीद गवाह हो जाते। इंस्पेक्टर, सिट डाउन। अब मुकाबला बाकी 3 से था। 3 में से एक और आतंकवादी को गोलियों की बारिश से हमेशा की नींद सुला दिया गया। अवार्ड ऐसे ही थोड़ी मिलते हैं। डेप्यूटी कमिश्नर मिश्रा ने एक और आतंकवादी को अपने जाल में फंसा दिया। आपको चारा बनाकर वो आतंकवादी के पीछे पीछे बढ़े और जैसे ही आतंकवादी ने निशाना लगाया, कमिश्नर साहब ने गोली चलाई और बंदूक वाला ढेर हो गया। ठीक, अब एक आतंकवादी बचा और आप 2 थे, यानी बाजी आपके हाथ में थी, यानी बचना आप लोगों को नहीं था, उसे था। सो वो छुप गया, लेकिन डिकोस्टा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा और एक कदम बढ़ा होता तो मुकाबला हो जाता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो पलटा और वापस चलने लगा। आतंकवादी उठा और उसने निशाना लगाया और उससे पहले कि वो फायर करे, खुदा की तरह कमिश्नर साहब प्रकट हुए और उन्होंने गोली चला दी। आतंकवादी गिरा, डिकोस्टा भागा और उसने आतंकवादी के सर पर अपनी बंदूक तान दी। आपको हैरानी होगी, यही मेरा चश्मदीद गवाह था, मगर वो रहा नहीं। बड़ी नॉनसेंस। मुझ पर इल्जाम लगाने वाले इस मुजरिम का कहना है कि उसका चश्मदीद गवाह होता वो टेररिस्ट मर चुका है। ऐसा तमाशा मैंने आज तक नहीं देखा। डिकोस्टा ने आतंकवादी को हथकड़ी दिखा दी। कमिश्नर साहब इन दोनों की तरफ चल रहे थे जब अचानक डिकोस्टा ने अपने रिवॉल्वर की रुख बदल दी और उसने कमिश्नर साहब को गोली मार दी। वो रिवॉल्वर मेरा नहीं था, वो स्टेरर। हाँ, डिकोस्टा ठीक कह रहा है, वो रिवॉल्वर उसकी नहीं थी, उस टेररिस्ट की थी। बयान में यही लिखा है सर। जिस चश्मदीद गवाह की आपको तलाश है वो मैं हूं। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है सर। इंस्पेक्टर, डिकोस्टा को तब तक मुअत्तल किया जाता है जब तक कानून की अदालत अपना फैसला नहीं सुना देती और इंस्पेक्टर डिकोस्टा को तंगी की जाती है कि वो मिस्टर रवि या उसके परिवार के किसी भी मेंबर के आसपास 500 गज के दायरे में नहीं जाएगा। हुक्म की अदली पर 1 साल कैद बामुशक्कत की सजा ये ट्रिब्यूनल आयात करता है। तुम लोग क्या समझते हो, डिकोस्टा के कंधे से 3 सितारे निकल गए तो शेर के दांत छड़ गए? डिकोस्टा की मर्दानगी है उसकी ताकत, उसका आत्मविश्वास, उसका मानसिक तनाव, उसकी वर्दी नहीं, बल्कि जब शेर जख्मी हो जाता है तो और भी खतरनाक हो जाता है। मैं और मेरे पति चाहते हैं कि यह मामला यहीं खत्म हो जाए। क्या आप हमारी कुछ मदद कर सकती हैं? नहीं, तब भी नहीं और अब भी नहीं। मतलब? अब मैं उसकी जिंदगी से बहुत दूर हूं, लेकिन जब करीब थी तब भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाती। डिकोस्टा किसी का कहा नहीं मानता, वो दुनिया पर अपना हुक्म चलाता है। सच कहूं, तुम और तुम्हारे पति डिकोस्टा के सामने बच्चे हो। तुम दोनों उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। अगर डिकॉस्टा को कोई तबाह कर सकता है तो वो है खुद डिकॉस्टा। उसकी अय्याशी, उसकी कभी ना खत्म होने वाली भूख, उसके कर्म। चलो रवि जल्दी करो, मिर्ची का अचार भी रख दिया है तुम्हारी पसंद का। जब जब खाओगे मुझे जरूर याद करोगे। मिर्च बेचारी तो आपके सामने मीठी है, आपको याद करने के लिए बिच्छू का डंक चाहिए और फिर याद वो करे जो भूले। बस बस, शायरी का नाटक बहुत हो चुका। अब आप गाड़ी में बैठो, बड़ौदा जाओ और मुझे बुलाओ। 250 साल तो तुमने जेल में बिता दिए। 2.5 नहीं, 5। 2.5 तुम्हारे और 2.5 मेरे। बस अब सिर्फ 24 घंटे और। हाँ, अब सिर्फ 24 घंटे और। बाय। रवि मल्होत्रा सामान बांध कर चला गया, वो अकेली है। आगे आगे देखो होता है क्या। मासूम हूँ, नादान नहीं। Love is pain, दर्द होता है प्यार में। Love is madness, जान जाती है प्यार में। Fair in love and war. La la la, la 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 la. डालो। नहीं रवि, नहीं। क्या मेरी? नहीं रवि, नहीं। दुनिया की कोई अदालत तुम्हें सजा नहीं दे सकेगी। मार, मार। रवि, इसकी मत करो। मेरी सुनो रवि, रवि डोंट डू इट प्लीज। कम ऑन। नहीं रवि। कम ऑन किल मी। तू मरेगा। आज नहीं, यहाँ नहीं। तमाम शुद्ध